लास्ट टाइम हमने बिग पिक ये गेम लिया था, जिसमें आपने ये फोर टेबल्स विद इन वन मिनट पढ़े थे और कुछ लड़कियों ने मुझे इसके ये टेबल पढ़ने के वो बनाकर भेजे भी। वेरी गुड बेटा। अब इस बार आपने ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, नेक्स्ट गेम है आपका हु स्कोर्स द मोस्ट, ये वाला हम लेने वाले हैं। तो ये रीडिंग एक्टिविटी नहीं है बल्कि ये राइटिंग है, और आपके स्पेलिंग्स आप जो लर्न करते हैं, जो आपको आगे अंग्रेजी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए या बोलने के लिए काम में आने वाले हैं, वो सारे स्पेलिंग्स आपने जो सिक्स स्टैंडर्ड तक सीखे हैं, उसका यहाँ पर आपको यूज होने वाला है, और आपने हर रोज स्पेलिंग्स लर्न करते रहना है। अब इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, इस तरह का टेबल आपने आपके नोटबुक में बना लेना है, ओके। और उस टेबल पर आपने दो मिनट का समय लगाकर विद इन टू मिनट्स यू हैव टू फिल दिस टेबल, मीन्स आपने ये टेबल में आपने शब्द लिखने हैं। अब किस तरह के शब्द लिखने हैं, तो वो जो शब्द आप लिखेंगे उसमें कम से कम थ्री लेटर्स होने चाहिए, एटलीस्ट यानी कम से कम थ्री लेटर्स यानी तीन अक्षर वाले वो शब्द होंगे, और उसमें आप गर्ल गर्ल्स इस तरह के प्लूरल्स नहीं लिखेंगे, उसमें आईएनजी फॉर्म भी नहीं लिखेंगे, ईडी या ईएन वाले शब्द नहीं लिखेंगे। प्ले आप लिख सकते हो लेकिन आप प्लेइंग नहीं लिख सकते। आप हेल्प लिख सकते हो लेकिन हेल्प्ड इस तरह से आप नहीं लिख सकते, क्योंकि दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर नॉट अलाउड, ये उसका सेकेंड रूल है। और ये टेबल आपने अब मैं आपको कर बताने वाली हूं, क्योंकि मैंने ये आपके लिए ये टेबल इस तरह से ब्लैंक टेबल बनाकर रखा है। आपने भी किताब बंद कर देना है, कोई भी किताब में से देखकर या किसी से पूछकर ऐसे शब्द आपने लिखना नहीं है। इस तरह से आपने टेबल ब्लैंक बनाकर रखना है, किताब बंद, और आपने टाइमर लगाकर आपका समय आपने चालू करना है और वो लिखने शुरू करने हैं। देखो, मदर, फादर, फैमिली, स्कूल, बुक, क्लास, वर्क, प्ले, हेल्प, रेन, रोड, ट्री, फ्लावर, फ्रूट, एप्पल, इस तरह से आपके एक के बाद एक शब्द आते रहेंगे। कलर, पिंक, ब्लैक, व्हाइट, हाउस, फैन, मैन, पेन, यू, दे, दियर, हियर, THEIR वाला देयर, प्ले, प्ले हो गया, पॉकेट, टीयर्स, फियर, लाफ, हैप्पी, गुड, क्राई, बेस्ट, स्लीप, और ओके। तो समय खत्म हो गया, दो मिनट पूरे हो गए। अब हमने क्या करना है, यहां पर ये जो भी शब्द हमने लिखे हैं, यहां पर थ्री लेटर वर्ड्स फोर लेटर वर्ड्स फाइव लेटर वर्ड्स सिक्स लेटर वर्ड्स और सेवन लेटर वर्ड्स, इस तरह से हमने इनको गिनना है, क्योंकि अभी आपके किताब की जो एक्टिविटी है वो इसी तरह की है कि आपने यहां पर पूरा लिख कर दिया है। देखो कि
इन शब्दों को जिसमें आपको लिखा है मार्क्स यू गेट फॉर वन वर्ड सच, मतलब आपने थ्री लेटर वर्ड्स अगर लिखा है तो उसका आपको कोई मार्क नहीं मिलने वाला है। फोर लेटर वर्ड का वन, फाइव लेटर वर्ड का टू, सिक्स के लिए थ्री और सेवन लेटर वर्ड्स के लिए आपको फोर मार्क्स मिलने वाले हैं। अब हम यहां पर गिनेंगे, ये मदर, मदर में है सिक्स लेटर्स, तो इसके सामने हम इसको लाएंगे। फादर सिक्स लेटर्स, फैमिली सिक्स, स्कूल में भी सिक्स, बुक में फोर, क्लास में फाइव, वर्क में भी वन टू थ्री फोर फोर, फिर ये प्ले, प्ले भी फोर, हेल्प रेन फोर लेटर्स, रोड भी फोर लेटर्स, ट्री फोर लेटर्स, फ्लावर सिक्स लेटर्स, फ्रूट यहां पर फाइव लेटर्स, एप्पल हैज फाइव लेटर्स, कलर हैज सिक्स लेटर्स, पिंक फोर लेटर वर्ड, ब्लैक फाइव लेटर, व्हाइट फाइव लेटर, हाउस फाइव लेटर, फैन थ्री लेटर, मैन थ्री लेटर, पेन यू थ्री लेटर्स, दे फोर, देयर फाइव, हियर फोर, देयर फाइव लेटर्स में, पॉकेट सिक्स लेटर में, टीयर्स, टीयर्स का भी यस का हमको गिनना नहीं है तो इसलिए ये शब्द हम छोड़ देंगे। फियर फोर लेटर्स, लाफ यहां पर फाइव लेटर्स में, हैप्पी फाइव लेटर्स में, गुड फोर लेटर्स में, क्राई थ्री लेटर्स में, बेस्ट फोर लेटर्स में एंड फाइव स्लिप में आएंगे आपके फाइव लेटर्स, इसलिए ये आपने यहां पर मार्किंग की इसकी। अब इनको हमने गिनना है, थ्री लेटर्स वर्ड्स का हमको कुछ भी मार्क मिलने वाला है नहीं। पांच शब्द हमने, फाइव वर्ड्स हमने थ्री लेटर्स के लिखे तो इसका हमको कुछ भी मार्क्स मिलना नहीं है। यहां पे दिया है कि थ्री लेटर्स के लिए कुछ भी हमने मार्क काउंट करना नहीं है। फोर लेटर्स के लिए ईच वन मार्क, वन मार्क है तो यहां पर हमने गिन लेना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, यहां पर आ गए आपके ये थर्टीन मार्क्स। ओके, और फाइव के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन, इलेवन इंटू दो मार्क्स लेने हैं तो ट्वेंटी टू मार्क्स आपको यहां मिलेंगे। और सिक्स लेटर्स के आपने लिखे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, तो यहां पर थ्री मार्क्स मिलने वाले हैं सिक्स लेटर्स के लिए, तो सेवन थ्री जा 21, तो और इनका आपने टोटल लगाना है सिक्स एंड वन दिस फाइव के, ये 56 मार्क्स यहां पर आपको इन वर्ड्स के मिले हैं। अब आपने देखना है कि आपने टोटल में कितने वर्ड्स लिखे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन थ्री जा 33, 34, 35, 36 एंड 37 वर्ड्स मेरे यहां पर लिखकर हुए थे, तो आपके भी जो भी होंगे अगर मान लो आपके 25 से ज्यादा होते हैं तो ऐड फाइव मोर मार्क्स, पांच मार्क्स ज्यादा मिलाने हैं फॉर राइटिंग 25 वर्ड्स विद इन टू मिनट्स। अगर आपके दो मिनट के अंदर 25 शब्द या उससे ज्यादा होते हैं तो आपको बोनस के फाइव मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये प्लस फाइव, क्योंकि यहां पर लगभग 37 वर्ड्स अपने हुए हैं, तो ये आपकी टोटल हो गई 61। इस तरह से आपको स्कोर आया 61। और केवल अभी मैं बता रही हूं इसलिए नहीं, आपने बार बार ही एक्टिविटी कर देखना है। अभी देखो, अगर हमने पिछले कविता के अगर शब्द लर्न किए हैं, इसके पहले इट्स अ स्मॉल वर्ड के अगर हमने शब्द लर्न कर लिए और बार बार हम हर लेसन के वर्ड्स लर्न करते रहे, तो ये एक्टिविटी हमको, अभी यहां पर मेरा एक भी मैंने एट लेटर वाला वर्ड लिखा नहीं। अगर मैं लिखती थी तो मुझे एक लेटर के लिए, एक सॉरी एक वर्ड के लिए मुझे फाइव मार्क्स मिलने वाले थे, लेकिन मिले क्या? नहीं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बड़े शब्द आपने लर्न करना है और बार बार ये एक्टिविटी कर देखना है। अगर आप क्लास में होते थे तो हु स्कोर्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा मार्क्स किसे मिले ये हमें पता चलता था, लेकिन अभी आप घर पर हो तो फिर क्या करना है? रोज खुद के लिए ही एक्टिविटी करना है और कल से आज मैंने कैसे अच्छा किया, लास्ट डे से टुडे, यस्टरडे से टुडे एंड टुडे से
टुमारो मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ, ये करना है, रोज स्पेलिंग्स लर्न करना है और रोज उन्हें लिखकर निकालना है। ओके बेटा, तो इस तरह से आप सभी ने कर देखना है और आपने जो लिखकर निकाला वो मुझे सेंड करना है।